हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडूटैप। जैसे कि आप जानते हो कि एडूटैप आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आया है, जिसमें हम हर लेक्चर में हमारे सीटीईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिस पर से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में हम इस टॉपिक के सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। हमने पेड कोर्स में इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है और इसके हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहां पर मैं सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि सीटीईटी 2018 की नोटिफिकेशन आ गई है, इसीलिए आपकी सीटीईटी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए एड्यूटैप आप लोगों के लिए 3 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस लेके आया है। कोर्स 1 में हम आपको जनरल पेडागोजी ऑफर कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। इसमें हमने पेडागोजी के सभी कंसेप्ट बहुत ही इजी और इलस्ट्रेटेड वे में एक्सप्लेन किए हैं। कोर्स 2 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटीईटी का पेपर मैथ्स और साइंस के साथ में दे रहे हैं। ये फुल कोर्स है, इसमें आपको मैथ्स और साइंस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको पूरा पेडागोजी, इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश भी। मतलब ये पूरा फुल कोर्स है, पूरा एक पैकेज है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स और साइंस के साथ में पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोशल स्टडीज़ के साथ में पेपर देते हैं, लेकिन एड्यूटैप अभी फिलहाल आपको सोशल साइंस ऑफर नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल साइंस के साथ में पेपर दे रहे हैं, उनके लिए हमने कोर्स 3 लेके आए हैं, जिसमें हम पेडागोजी, पूरा पेडागोजी ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सोशल साइंस के साथ में पेपर दे रहे हैं, वो कोर्स नंबर 3 के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 कोर्सेस है, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स चुन सकते हो। आप जानते हो कि एड्यूटैप आपकी सीटीईटी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्स लेके आया है। इस वीडियो कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव वीडियोस दिए जा रहे हैं, जिसमें सभी कंसेप्ट को बहुत ही ईजी और ल्यूसिड तरीके से समझाया गया है। इन्हीं वीडियोज में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, ताकि आप पढ़ते समय ही ये जज कर पाए कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्विज भी दी जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि आपके सवाल या किस तरह से प्रिपरेशन की जाए या आपके जो भी डाउट्स हो, आप इन लाइव सेशंस में पूछ सकते हैं। एडूटैप इस कोर्स को ग्रेडअप के साथ में मिलकर लॉन्च कर रहा है, तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं या फिर इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें help@gradeup.co पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें 9650053463 पर कॉल कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ से जनवरी 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए, जुलाई 2013 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, फेब 2014 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, सेप्टेम्बर 2014 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए और फेब्रवरी 2015 में यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर में कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि एसिड्स के पास में एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देता है, जो कि हम आगे में भी देखेंगे। उसके बाद में इसका टेस्ट सार होता है और इसके पास में कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है, ये कोरोजिव होता है। उसके बाद में ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके अंदर में एसिड प्रेजेंट होता है, हम बोलेंगे कि उसका नेचर एसिडिक है। जैसे कि लेमन, लेमन के अंदर में एसिड प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे इसका नेचर एसिडिक है, कर्ड में भी और मैंगो पिकल में भी। अभी हमने देखा कि एसिड का टेस्ट सार होता है, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस का टेस्ट होता है बिटर, और अगर आप इन्हें टच करोगे तो आपको एक सोपी फील आएगा। फॉर एग्जाम्पल सोप और सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा, और ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके अंदर में बेस प्रेजेंट होता है उनका केमिकल नेचर होता है बेसिक। तो हमें ये ध्यान रखना है इसके इसका टेस्ट क्या होता है, इस पर टच करने पर कैसा फील आता है और इसके एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और इंपॉर्टेंट बेस दिए हैं, और ये भी बताया गया कि ये एसिड्स या फिर ये बेस हमें मिलते कहाँ से। जैसे कि एसिडिक एसिड, ये विनेगर में हमें मिल सकता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड स्टिंग, जब आपको चींटी काटती है तो आपको थोड़ा सा अजीब सा जलन टाइप की होती है,
तो ये होती है फॉर्मिक एसिड के कारण, ये जो एंट होती है ये आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है। साइट्रिक एसिड हमें मिलता है ऑरेंजेस, लेमन्स एट्सेट्रा से। उसके बाद में लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कर्ड से। अगर हम यहाँ पर में टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये हमें मिलता है ग्रेप से, अनराइप मैंगोज से। ठीक है, अब थोड़े कुछ बेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये हमें मिलता है लाइम वाटर से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है विंडो क्लीनर से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। देखिए ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको दो तीन बार पढ़ के इसे अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर से कोई भी क्वेश्चन इस पर से पूछे तो आप इसका आंसर दे पाए। हम आगे में इसके ऊपर में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि देखिए हमें यहाँ पर में क्वेश्चन पूछा गया था मैच द पेयर के फॉर्म में। यहाँ पर में हमें एसिड्स दे दिए गए और यहाँ पर में हमें उनके सोर्स दे दिए गए। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर में देखा कि कौन सा एसिड कौन से सोर्स से मिलता है या कहाँ पर में हमें फाइंड होता है। जैसे एसिडिक एसिड हमने देखा कि विनेगर से मिलता है, हमने देखा कि लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है स्पिनच से, और टार्टरिक एसिड हमें मिलता है ग्रेप से या फिर मैंगोज से, अनरिप मैंगो से। ठीक है, तो ये हमें उस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब तक हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सारे सब्सटेंस एसिड या फिर बेस ही होते हैं या कुछ और भी होता है? तो नहीं, जो सब्सटेंस एसिड या फिर बेस नहीं होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। चलिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एसिड को बेस के साथ में मिक्स कर देते हैं तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसके अंदर में सॉल्ट होता है और वाटर होता है और हीट जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर में हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला है। सपोज हम एक एसिड ले लेते हैं HCl और एक बेस ले लेते हैं NaOH। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें देंगे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसमें होगा एक सॉल्ट और वाटर। देखिए यहाँ पर में हमें जो हमारा सॉल्ट मिला है वो कॉमन सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, और हमें यहाँ पर में वाटर मिला है। तो आपने देखा किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, जब हम एसिड को और बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो हमने पढ़ा उस पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हमने अभी देखा जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो दोनों के दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक वो थर्ड सब्सटेंस बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़े तो हमें यहाँ पर मैं हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो ऑप्शन ए में मिल जाएगा। दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस। जैसे कि HCl और NaOH, ये दो सब्सटेंस मिलके एक थर्ड सब्सटेंस बना दिए थे, NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हमने देखा था कि एसिड्स जो है वो टेस्ट में सार होते हैं और बेस टेस्ट में बिटर होते हैं। तो कितना इजी है ना, कि हम हमें पता करना हो कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बस उसे टेस्ट कर लो। बट ऐसे समय में जबकि हम उस सब्सटेंस को टेस्ट ना कर पाए, तब तब हम कैसे पता करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? और कुछ समय ऐसे भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस हम टेस्ट करें और वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, तो हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा जिससे हम पता कर सके कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है ये पता लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, बाय चेंजिंग देयर कलर्स। अब इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टर्मरिक पाउडर के बारे में, लिटमस के बारे में और चाइना रोज पेटल्स के बारे में। और हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन के बारे में जानेंगे कि फिनोफ्थलीन किस तरह से इंडिकेटर का काम करता है। तो चलिए आगे बढ़। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिटमस टेस्ट क्या होती है। हम जितने भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसमें सबसे कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है, वो है लिटमस पेपर्स। अब सवाल उठता है कि ये लिटमस पेपर हमें मिलते कहाँ से है? तो हम इन लिटमस पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। तो चलिए अब देखते हैं कि लिटमस पेपर काम किस तरह से करते हैं। हमारे पास में दो
कलर के लिटमस पेपर्स अवेलेबल है, एक है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, जैसे कि आप यहाँ पर मैं डायग्राम में देख सकते हैं। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया तो उसका कलर चेंज हो गया रेड में। बट अगर हम इसी ब्लू लिटमस पेपर को किसी बेस में डिप करेंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बेस इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया और ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया रेड में, तो हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है। वैसे ही अब हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर। जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मतलब कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वही अगर हम इस रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हमने रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप किया तो उसका कलर यहाँ पर में चेंज हो गया ब्लू में, ठीक है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब सवाल उठता है कि जब हम इन लिटमस पेपर्स को, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर को, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा। तो जब भी हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उन दोनों में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस पेपर को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। सपोज कीजिए कि मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसे एक सॉल्यूशन में डिप किया, जिस वजह से इस ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो गया। ओके, अब आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। वेरी गुड, ये है एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो गया है। एक और टेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं एक रेड लिटमस पेपर मैंने लिया और एक सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, जिस वजह से इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। वेरी गुड, ये सॉल्यूशन है बेस, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आपने समझा कि लिटमस पेपर का हम इस्तेमाल करके हम किस तरह से कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है पता कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और बेस होने की वजह से ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ब्लू लिटमस पेपर को ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एक एसिड है, और हम जानते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। उसी तरह से विनेगर एक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। तो आप जो भी बहुत कॉमन एसिड्स और बेस है उसे याद कर लीजिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, तो लिटमस पेपर पर बेस्ड ही एक क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह का था, अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर, ही वुड ऑब्जर्व दैट। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है या फिर बेस है। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और हम जानते हैं कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, देर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि बेस ब्लू लिटमस पेपर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्वेश्चन जुलाई 2013 में पूछा गया था। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसे एक एसिड में डिप करते हैं।
अब इनमें से जो भी एसिड होगा वो इसका आंसर होगा। कॉपर ऑक्साइड एसिड नहीं है, बेस है। आयरन ऑक्साइड भी बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस है। यहाँ पर में जो एसिड है वो है सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने साइंस के एक टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर इंट्रोडक्शन लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, हमने हमारे पेड कोर्स में इसे बहुत ही डिटेल में कवर किया है, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजी वे में समझाए हैं। साथ ही साथ हमने उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस को भी उनमें इन्वॉल्व किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कोर्स को एनरोल कर लिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो हमने पेड कोर्स में आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, साथ ही साथ हमने जो आपको मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल मिलते रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप एडुटैप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।